यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है. अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन याद हो प्रोबेबिलिटी में किया था. इफ बोथ पी एंड क्यू बिलोंग टू द सेट 1, 2, 3, 4 देन हाउ मेनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 विल हैव रियल रूट. ऐसी कितनी इक्वेशन हो सकती हैं 1, 2, 3, 4 को लेके जो कि पी और क्यू इस सेट को बिलोंग कर रहा है विल हैव रियल रूट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन आपने किया था प्रोबेबिलिटी में. अब ये परमुटेशन जैसा हो गया. अब देखिए रियल रूट मतलब हो गया क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4p. अब आपको यहां कॉम्बिनेशन लेना, जैसे क्यू की वैल्यू अगर 1 हुई तो उस समय पी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि P1 लेंगे तो भी 4, तो ये पॉसिबल नहीं है. Q की वैल्यू 2 हुई, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो P1 हो सकता है. Q की वैल्यू सपोज 3 हुई, 3 का स्क्वायर 9, तो P हो सकता है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 नहीं. Q की वैल्यू मान लीजिए 4 हुई, तो 4 का स्क्वायर 16, तो P हो सकता है 1, 2, 3 और 4 भी हो सकता है. यानी आपको कुछ ऐसी पेयरिंग मिलेगी 2,1 की, 3,1, 3,2 ऐसे. फिर ये समझ में आ गया 4 + 2 6 + 1 7, यानी 7 इक्वेशन बन सकती है. पर ये बताने के लिए लिख रहा हूं. अब अगर क्यू की वैल्यू 4 हुई तो आप बोलते 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4, राइट. इस तरह से टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन 7 बन सकती है, राइट. नोट कर लीजिए. यस नेक्स्ट देखें तो क्या है क्वेश्चन, समझिएगा. अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, पहले राउंड का मेंटल राउंड वाला क्वेश्चन है. इफ ए बी एंड सी आर सबसेट, ए बी एंड सी बी सबसेट ऑफ गिवन सेट को यूनिवर्सल सेट के, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट. बहुत केयरफुल होना, नॉट करेक्ट बोला. ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ऑब्वियसली ए यूनियन बी के इक्वल ही होगा बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी में जो भी मिले, पर साथ में क्या दिया है यहां पर ए, तो ए यूनियन बी के इक्वल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. अब नॉट करेक्ट बोला है, करेक्ट है. ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, आप ये कैसे बोल सकते हैं. अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ए के इक्वल हो सकता है, अभी इस पर बात करते हैं हम. इसमें मुझे बताना पड़ेगा ए यूनियन बी बोला है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन में आपके पास, हमको एग्जाम्पल भी ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में ए और बी के सभी एलिमेंट होंगे और उसके साथ ए लोगे तो ए मिल जाएगा, ये करेक्ट है. फिर इसका मतलब यही रॉन्ग है, इसका मतलब यही रॉन्ग है. वैसे भी देखिए ए इंटरसेक्शन आपने बी किया, सपोज मान लीजिए कि एक यूनिवर्सल सेट है, ऐसा सोच लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 का ए है मान लीजिए प्राइम नंबर 2, 3, 5, बी है मान लो इवन नंबर 2, 4 और सी है मान लीजिए ऑड नंबर या ऑड इवन मल्टीपल ऑफ 1, 3 और 4 ले लेते हैं, राइट. 1, 3 और 4 ले लेते हैं मान लीजिए, या पूरा ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 को छोड़ के. अब सपोज मैं इस क्वेश्चन में जाऊं तो पहले बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो ओनली 2 है. अगर इसके साथ में ए यूनियन कर दूं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये कितना मिलेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी 2 है, ए है 2, 3, 5, तो 2, 3, 5 ही मिलेगा. अब ये बोलते हैं कि ये किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी के. अब ए यूनियन बी अलग से मैं आपसे बोलूं तो आप बोलते 2, 3, 4, 5 जो नहीं है, तो यही करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, तो ए इज अ रॉन्ग आंसर. सीधा सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, आप डायरेक्टली बता सकते थे. बाकी ये डी बर्गर्स लॉ से लिखा हुआ है, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ऐसे ही डी बी लिखा हुआ, तो आप इसको क्रॉस चेक इजीली कर सकते थे, राइट. नोट कर लीजिए. यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या दिया है. अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला, देखिएगा. आ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी कंसिस्ट ऑफ 200 टर्म मतलब ए ए आर ए आर स्क्वायर अप टू ए आर 199. इफ द सम ऑफ ऑड टर्म ऑफ जीपी इज एन, ऑड टर्म का समेशन m है एंड सम ऑफ इवन टर्म जीपी इज n, t2 t4 up to t 198, इसका समेशन n है, तो बताना व्हाट इज द
कॉमन रेशियो मतलब आर बताना है। सिंपल बात है, ये ए आर से स्टार्ट होगी और ये ए आर क्यूब से स्टार्ट होगी। सब कुछ सेम होगा, अगर डिवाइड करोगे तो आंसर हो जाएगा एन बाय एम, आर इक्वल टू एन बाय डिवाइड करेंगे। यस, कैसे देखिए, अब अगर आठ टर्म का समीशन करेंगे तो ए आर स्क्वायर, तो आपको मिलेगा एम दिया है वो, तो एम इक्वल टू आप ऐसे ही लिखेंगे ए इंटू आर पावर, आर पावर ऑड टर्म है तो 200 है तो ऑड हो गया 100, तो 100 तो आर का स्क्वायर का पावर 100 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि कॉमन रेशियो आर स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे ही एन होगा, पर एन का फर्स्ट टर्म ए आर हो जाएगा क्योंकि इवन टर्म है। बस यही एक चीज है, यहां आर स्क्वायर की पावर 100 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1। अब इस पूरे की जगह ए इंटू इसकी जगह आर इंटू एम लिख सकते थे, तो आर का वैल्यू क्या हो गया एन बाय एम। इस तरह से आप इजीली बता सकते थे, राइट, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें और समझें। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज मिनिमम। ठीक है, इक्वेशन क्या दिए, 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू के माइनस 2 इंटू एक्स प्लस माइनस के प्लस 1 इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट इज मिनिमम। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये मिनिमम बोला। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह से ऑब्जेक्ट फंक्शन कुछ ऐसा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब हो गया माइनस बी बाय ए, तो टू इंटू के माइनस टू अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू के प्लस वन अपॉन टू, और ये अल्फा बीटा ये सी है तो प्लस हो जाएगा, राइट। याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो माइनस के प्लस वन अपॉन टू, अल्फा बीटा माइनस होता है बी बाय ए, तो ये हो जाएगा टू इंटू के माइनस टू अपॉन टू, कैंसिल ये भी कैंसिल, एक तरह से मिला के माइनस टू का स्क्वायर प्लस के प्लस वन। ये ऑब्जेक्ट फंक्शन है, इसका मैक्सिमम मिनिमम पूछा है। बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि अगर आप इसको पूरा सॉल्व करते तो के स्क्वायर माइनस फोर के प्लस वन, तो माइनस ऑफ थ्री के प्लस ऑफ फाइव, डिफरेंशिएट यानी के इक्वल टू थ्री बाय टू, तो के का वैल्यू होना चाहिए थ्री बाय टू। दिस इज द राइट आंसर, के इक्वल टू थ्री बाय टू, राइट। क्या करा, सिंपल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मिनिमम पूछा, ये ऑब्जेक्ट फंक्शन हो गया। आपने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा लिखा और इक्वेशन बनाई, इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया तो वैल्यू ऑफ के मिल गई, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है, क्वेश्चन समझिएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट फैक्टोरियल वन, फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल थ्री। अब देखिए मैं ये समझाने के लिए लिख रहा हूं फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल फोर, फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल फोर, फैक्टोरियल फाइव। अब इसका आंसर क्योंकि ये सेम नहीं है तो जीरो नहीं होगा, क्या होगा बताता हूं। बहुत ही स्पीड में देख के तुरंत लिखना चाहिए था, वन टू सिक्स, टू सिक्स ट्वेंटी फोर, सिक्स ट्वेंटी फोर एंड वन ट्वेंटी। अब देखिए क्या होगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, वन टू सिक्स मेंटली करोगे, इसमें से टू बाहर निकालिए, इसमें से टू बाहर निकालिए, वन टू सिक्स, वन थ्री ट्वेल्व, इसमें से सिक्स ही बाहर निकाल लीजिए, फोर निकाला तो ट्वेंटी। अब दो जीरो बना दीजिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 12 इंटू टू जीरो करेंगे तो इसको इससे सेपरेट करिए तो 1, इसको सेपरेट करिए तो 6, इसको करिएगा तो 2, इसको करिएगा तो 14, यानी 12 इंटू टू दिस इज 24, करेक्ट आंसर इज 24, राइट। ये करा हुआ था, हो सकता है आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद हो, याद होगा तो अच्छा है। इस क्वेश्चन में करीब करीब 30-40 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने आपको क्लास में करवाए थे, कोर्स में थे ऑनलाइन, और वो आपको इजीली बन गए होंगे, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, दिस डिटरमिनेंट प्लस दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इरेशनल रूट दिख रहे हैं तो आप मेथड से सॉल्व कर लो, जीरो बनाने में ना टाइम खराब करो। तो एक्स के साथ करा तो टू माइनस वन वन, टू के साथ करा तो टू एक्स माइनस टू, प्लस थ्री एक्स के साथ किया तो वन,
प्लस टू के साथ गया तो एक्स स्क्वायर, यानी एक तरह से टू एक्स स्क्वायर फोर प्लस थ्री सेवन प्लस एट एक्स माइनस ऑफ फोर इक्वल टू जीरो, टू का डिवाइड कर दे तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो हो गया सॉल्व। माइनस फोर प्लस माइनस सिक्सटीन प्लस एट बाय टू, माइनस फोर प्लस माइनस ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर तो ये ट्वेंटी फोर को आप लिख सकते हो कितना, फोर इंटू सिक्स, राइट, फोर इंटू सिक्स किसका मतलब टू रूट सिक्स बाय टू, तो माइनस टू प्लस माइनस रूट सिक्स इज आर राइट आंसर, माइनस टू प्लस माइनस रूट सिक्स इज आर राइट आंसर, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, लेट एम एंड एन, और ब्रैकेट में मेंशन है एम लेस देन एन बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस थर्टी नाइन इक्वल टू जीरो इफ फोर टर्म पी क्यू आर एस आर इंसर्ट बिटवीन एम एंड एन, ठीक है, देन फॉर्म एन एपी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, यानी सम ऑफ अरिथमेटिक मीन जो होता है एन इंटू ए प्लस बी बाय टू, तो आपको केवल ए और बी मतलब एम और एन निकालना है यहां पर, राइट right? अब यहां पर एन से वो कंफ्यूज हो सकते हो, एन मतलब नंबर ऑफ मीन से, अब देखिए यहां पर समझिए इसके फैक्टर तो देखते ही बनना है थ्री और सिक्स थर्टीन, क्योंकि एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थर्टीन इक्वल टू जीरो, तो एम हो गया थ्री ये हो गया थर्टीन, तो इसका मतलब थ्री एंड थर्टीन, वैसे आप मेंटली कर सकते हो फाइव सेवन नाइन एंड इलेवन, ये चार मीन होंगे जिनका समीशन पूछा है, तो ट्वेंटी 27, 32, तो 32 इज द राइट आंसर, मेथड से लॉजिक से करते ट्रिक से, तो 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी बाय 2, तो ये 2 टाइम कैंसिल, तो 16 टू जा 32, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, राइट, नोट डाउन कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब देखिए आप जैसे ही 50 क्रॉस करते हैं आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज सेम एज द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद साइड ए बी, बिल्कुल नहीं, अगर ये ए है ये बी है तो इस ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ ए क्रॉस बी, तो ये ए क्रॉस बी के इक्वल नहीं होगा, स्टेटमेंट वन रॉन्ग है। स्टेटमेंट टू क्या है, ए क्रॉस बी जीरो, ये जब भी होगा जब ए वैक्टर पैरेलल टू बी वैक्टर हो या कॉलिनियर, यानी ए इक्वल टू लेमडा बी के, तो ओनली टू इज करेक्ट आंसर, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज वन वर्टेक्स, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एक वर्टेक्स गिवन है माइनस वन माइनस वन, एक है माइनस रूट थ्री रूट थ्री, और द थर्ड वर्टेक्स में लाई ऑन, थर्ड पूछा है, ठीक है, तो इसको मैं ऑप्शन की हेल्प भी ले सकता हूं, एक रूट इरेशनल होना चाहिए वो है, तो माइनस रूट टू रूट टू रूट टू माइनस रूट टू वन वन, राइट, आर डी इज वन माइनस वन। अब दो तीन तरीके हो सकते हैं हमारे पास करने के, एक तरीका कि हम इनका स्लोप चेक कर लें, जो स्लोप मतलब इनके बीच का एंगल निकाल लें, पर इसमें भी टाइम लगेगा, आप मेथड से भी कर सकते हो, जैसे एक चीज की माइनस वन दिया, अगर एक में मान लो थोड़ी देर के लिए वन वन ले लो, रेस्टल के ज्यादा चांस है, तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा अपोजिट साइन पे एड, तो फोर प्लस फोर यानी टू रूट टू, राइट, अगर इसके साथ इसका डिस्टेंस निकालो तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे वन प्लस रूट थ्री का स्क्वायर रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर, यानी लॉजिकली टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी टू रूट टू, बिल्कुल वही आ रहा है, और ये डिस्टेंस हमें चेक नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि ये वन वन की जगह वन माइनस वन होता तो क्या चेंज होता, तो मैं थोड़ी देर के लिए यहां माइनस वन कर देता हूं, यहां पर सबसे पहले माइनस वन प्लस वन का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो सेम साइन है तो ऐड, अपोजिट साइन है तो ऐड हो जाएंगे, तो टू का स्क्वायर फोर, और ये सेम साइन है तो जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये टू मिला। अब यहां पर जरा आप आइए, तो जब यहां पर आप आएंगे तो ये तो वन प्लस रूट थ्री का स्क्वायर रहेगा, ये भी वन प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी लॉजिकली देखें तो ये दोनों चीजें सेम है, तो रूट टू के टर्म में आएगा, यानी ये आंसर अगेन नहीं हो सकता,
तो इसलिए ये आंसर भी रॉन्ग हो गया। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, तो इसका आंसर हो गया सी इज अ राइट आंसर, क्योंकि आप इससे भी एक बार क्रॉस में वेरीफाई कर सकते हो कि एक्चुअल में डिस्टेंस था कितना। तो इससे जब करेंगे तो माइनस वन ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन, दोनों साइन अपोजिट है, सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी ये टू रूट टू मिलेगा। तो दिस इज द राइट आंसर, 1.1 इज अ राइट आंसर, राइट, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए क्या है, इफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/(x^2n) इज, मिडिल टर्म दिया हुआ है, क्या दिया है, 184756x^10, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ऑप्शन ए कुछ इस तरह के दिए, देखिए 10 8 5 4। एक बात समझिए, ये काफी बड़ी वैल्यू है और यहां x की पावर 10 भी है, इवन टर्म है, x की पावर 10 भी है वहां पर, तो इवन टर्म है। तो अगर मैं इसमें मान लीजिए ऑप्शन 10 लेता, थोड़ी देर सोचिए, तो ये पावर होती 20 और इसका मिडिल टर्म होता, मिडिल टर्म होता 20c10 और उस समय x की पावर होती 20 × 1/(x^10, तो ये बिल्कुल 10 मिल जाता है, यानी यही होना चाहिए आंसर, क्योंकि बाकी सभी में x की पावर 10 नहीं मिल पाएगा आपको। आप देखिए 5 होता तो 10, तो मिडिल टर्म क्या होता, फिर उस समय मिडिल टर्म होता, अगर मैं मान लू थोड़ी देर के लिए 5 मान लू, तो 10c5, तो x की पावर तो 10 होता पर 1/(x^5) होता। तो इसमें बिना सॉल्व करे आप बोल सकते थे, बाकी आपको ये 20c10 की वैल्यू दी हुई है, तो देख के समझ में आ रहा है कि इसमें क्या कर सकते थे, राइट, नोट कर लीजिए।